तो अभी आप देख रहे हो मुझे चलाते हुए मेरी चार्ली KTM एडवेंचर 390, और अब आप देख रहे हो मुझे चलाते हुए 890 एडवेंचर जो कि इंडिया में अभी लॉन्च भी नहीं हुई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस समय ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के बहुत खूबसूरत शहर जिसका नाम है मेटिगोफन, और मेटिगोफन में यहाँ पर मेरे सामने दो बहुत ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं। एक है KTM एडवेंचर 390 जिसे मैं अभी तक चला रहा हूँ। लगभग मैं अभी तक 93,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इस बाइक को विद नॉट इवन अ सिंगल इशू। बात आज लेकिन करने वाले हैं हम लोग 890 एडवेंचर आर के बारे में, और ये बाइक जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बाइक अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। हेलो जी, हाउ आर यू, दिस इज़ अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूँ इस समय ऑस्ट्रिया में, और ये जो बाइक मैं चला रहा हूँ KTM 390 एडवेंचर जो कि मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल है। ये मेरी अपनी मोटरसाइकिल है जिसे मैं इंडिया से ऑस्ट्रिया लेके आया हूँ, और अभी तक ये टोटल बाइक चल चुकी है 92,342 किलोमीटर्स विद नॉट इवन अ सिंगल इशू। KTM का जो ओरिजिन है वो हुआ है ऑस्ट्रिया में, इट्स एन ऑस्ट्रियन ब्रांड। सो दिस इज इट, आज अपनी मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल मैं KTM मोटो हॉल में आ चुका हूँ। ये है KTM का मोटो हॉल ऑस्ट्रिया में। यहाँ पर सारी एडवेंचर 390 ड्यूक और बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने रिको से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपनी बाइक यहाँ पर पार्क कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पार्क करना अलाउड नहीं है, बट दे सेड यस आप कर सकते हो। जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है, तो फाइनली मैं अपनी KTM एडवेंचर 390 को ऑस्ट्रिया में लेके आ चुका हूँ। ये मेरा सेकेंड टाइम मैं ऑस्ट्रिया में आना, लेकिन पहली बार है जब मैं KTM मोटो हॉल आया हूँ, और ये मुझे बहुत प्राउड लगता है कि इट्स एन मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल। भले ये ऑस्ट्रियन ब्रांड है बट मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल है, जिसको काफ़ी लोगों ने जब मैं ले रहा था बाइक बोला था कि यार ये 40,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलेगी, इसका इंजन जो है इतना स्मूथ नहीं है, पर मुझे पता है मेरी राइडिंग स्टाइल, मुझे पता है कि कितनी कैपेबिलिटी है KTM के इंजन के अंदर। एंड एक और चीज़ को, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं सारी चीज़ें अपने YouTube पे पिछले 4 साल से दिखा रहा हूँ। जो मुझसे कनेक्टेड हैं शुरू से उनको पता है कि ये बाइक मुझे कहाँ कहाँ लेके जा चुकी है। ऐसे ऐसी टेरेन्स पे हम जा चुके हैं जहाँ हार्डली पहले कभी कोई मोटरसाइकिल गई थी, कोई बाइकर गया था, और आज यहाँ पर मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि ये मोटो हॉल में जहाँ पर एंट्री में इनकी यहाँ पर बाइक खड़ी हुई हैं, तो क्या मैं अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी कर सकता हूँ। तो इन्होंने खुशी खुशी कहा आप खड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हैं जिन्होंने मेरी बाइक के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है, और आज एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ ये है कि आज मैं 390 एडवेंचर नहीं चलाने वाला, आज मैं एक बाइक ऐसी चलाने वाला हूँ यहाँ पर जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में वो बाइक बहुत जल्दी लॉन्च होगी, इसी चीज़ के लिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद वो पहला बाइकर हूँ इंडिया से जो ये बाइक चला रहा है ऑस्ट्रिया में आके। सो, एक बार आपको छोटा सा टूर दे देता हूँ अंदर मोटो हॉल का। बाकी यहाँ पर जो है ना, ये बहुत बड़ा एक्चुअली एक म्यूज़ियम है जहाँ पर KTM के बारे में हर चीज़ बताई जाती है, दिखाया जाता है। यहाँ पर गाड़ियों के बारे में, KTM की कार्स का भी यहाँ पर डिस्प्ले है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं कल एक बार फिर आऊँ, या फिर देखेंगे, मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आपको मोटो हॉल जो है वो मैं अच्छी तरह से दिखा सकूँ। अभी तो हम यहाँ पर अपनी बाइक जो है उसको लेने के लिए आए हैं ताकि हम छोटा सा जो आज हम टूर करने वाले हैं वो टूर कर सके। एक्चुअली प्लान ये था कि हमें ये जो बड़ी बाइक्स हैं ये हमें 3-4 दिन पहले मिलनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
थोड़ा सा हम डिले हो गए और इनके पास जो बाइक है वो खाली आज के लिए ही अवेलेबल है और वो भी शाम के 5:30 बजे तक। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। सो जो मेरा 3-4 दिन का KTM 890 एडवेंचर चलाने का प्लान था वो अभी रिड्यूस होके खाली एक ही दिन का रह गया। सो यहाँ पर इन्होंने मुझे दिया एक फॉर्म जिस फॉर्म को भरना है और ये शायद कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने पढ़ा नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि ये मुझे बाइक दे रहे हैं और मेरा लाइसेंस वाइसेंस साइन वाइन सब होंगे। ओके व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट मोड एंड रेन मोड एंड दैट रैली मोड? आई कैन शो इट टू यू। सो यू हैव इन द स्ट्रीट इन द रेन इन द ऑफ रोड यू हैव प्री सेटेड अप गैस ब्रेक्स सो ABS सिस्टम एंड ट्रैक्शन कंट्रोल एंड नाउ यू हैव द रैली पैकेज ऑल्सो. And only in the rally package you can make the throttle response from street mode. This is like the linear one. Then we can also change it to the off-road one. Okay. So this is better usable for the low. So it's softer in the low one. And then the full power comes only when you hit the gas full. Okay. And yeah, street mode is like, in my opinion, it's the best one. Till now, this bike, yeah? 93,000, India to London. How many days? 120 days, yep. Respect. Yeah, thank you. Respect. Thank you so much. Have you problems with this bike? Not even a single issue. No? Not even a single issue. It's 390, huh? Yeah, this is 390cc engine, motorcycle. Respect. Wow, thank you so much, bro, thank you. अभी शाम को 5:30 बजे तक आ जाऊंगा और चार्ली को यहाँ से ले चलूँगा। तो अभी ये लोग मुझे बता रहे थे कि शायद आप मोस्ट प्रोबेबली पहले बाइकर हो जिसको ऑस्ट्रिया में आकर 890 एडवेंचर चलाने का मौका मिल रहा है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। ये बाइक जो है ये बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होगी तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है और पहले ही इंडिया में जो टेस्ट राइड्स होंगी उससे पहले ही समझो मैं एक टेस्ट राइड आपको करके दिखा रहा हूँ बाइक के बारे में। मैंने अभी अपनी बाइक ये बाइक ना मैंने थोड़ी देर चलाई थी 2 मिनट ऐसे राउंड लेने के लिए थोड़ा सा इस बाइक का फील लेने के लिए और उसके बाद जब मैंने अपनी 390 एडवेंचर चलाई ना मुझे छोटी छोटी लगी। ऑब्वियसली वो हमेशा होता है जब आप एक बड़ी बाइक पे चलाते हो और उसी वक्त आप छोटी बाइक पे बैठो ना तो आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बाइक में। दो आई लव माय बाइक पोस्चर उसको मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है लेकिन आई एम इन लव विद दिस बाइक मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पावर की बात करूँ तो बाइक में बहुत ज़्यादा पावर है 102 BHP है और जबकि मेरी बाइक में 44 BHP है। आगे जो प्रतीक बाइक चला रहा है वो भी KTM 390 एडवेंचर है लेकिन वो ऑस्ट्रिया वर्जन है वो इंडिया वर्जन नहीं है। टू मच फन ब्रो टू मच फन। ये बाइक पता भी नहीं लग रही कब 110 115 भाग रही है। अभी हमारा यहाँ से जाने का प्लान है एक्चुअली एक लेक और लेक साइड पे हम लोग फन करने वाले हैं। मज़ा आ गया। मुझे 135-140 करने में अपनी बाइक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन ये बाइक में बहुत आराम से हो रहा है यार। हमेशा से मैं एक लाइन बोलता हूँ आज फिर वही लाइन बोलूँगा ऐसे दिखाने में क्या मज़ा उस एंगल से देखो।
तो बड़ी देर के बाद अभी मैंने अपना GoPro लगा के सेटअप किया है। अभी हम बहुत मस्ती कर रहे थे, हम ऐसे ट्रेल्स में चले गए, ऐसे रोड के ऊपर बाइक चला रहे थे, इतना फन कर रहे थे विदाउट कैमरा, क्योंकि इस बाइक को ना मैं पहले खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था कि एक बार मैं एक्सपीरियंस करूँ कैसी पावर है, कैसी टॉर्क है, कैसा मतलब जो हमारे को सबसे ज़्यादा होता है ना कि वाइब्रेशंस तो नहीं है बाइक के अंदर, टैंक पे हमारी ग्रिप अच्छी तरह से बनी हुई है, सैडलिंग करने में, खड़े होकर बाइक चलाने में कितनी कंफर्टेबल है, विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है बाइक में, मिरर्स में विजिबिलिटी कैसी है। तो वो सारी चीज़ें मेरे को कम से कम 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं मैं ऐसे ही ये बाइक को टेस्ट कर रहा था। तो उसके बाद सोचा मैंने कि जब टेस्ट करूँगा और उसके बाद ही आपको एक प्रॉपर इस बाइक के बारे में बताऊँगा, जो होपफुली इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो जाए या होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है कि ये बाइक लॉन्च होगी, फिंगर क्रॉस। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही सही हो जाएगा। ये बाइक एक्चुअली पता है फ़ोटोज़ वीडियोज़ में मैंने बहुत देखा है, लेकिन अभी जब मैं ये बाइक को खड़े हुए कहीं पर देख रहा हूँ ना, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ, तो ये बाइक ह्यूज बहुत बड़ी लग रही है। काफ़ी लोग मेरी बाइक को देख के कहते हैं कि आपकी बाइक जो है थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिखती है, क्योंकि मेरे थोड़े से मैंने क्रैश गार्ड लगा रखे हैं, बल्कि लगती है। लेकिन मैंने अपनी एडवेंचर 390 जब इसके साथ खड़ी करी तो भाई वो इतनी लग रही है। ये बाइक अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट बता रहा हूँ। और प्राइस वाइज का कुछ नहीं पता इंडिया में कितने की लॉन्च होगी। तो अगर इस बाइक के पावर की बात करूँ तो इसके अंदर 102 BHP है यार। मेरी बाइक 44 हॉर्स पावर है और ये 102 हॉर्स पावर है। और इसके अंदर 20 लीटर का टैंक आता है, मेरी एडवेंचर 390 में 14.5 लीटर का टैंक आता है। इस बाइक की पावर हल्का सा एक्सेलरेट करने में ऐसे भाग रही है, ऑब्वियसली 102 हॉर्स पावर है तो भागेगी। इसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, एक आपको स्ट्रीट मोड मिल रहा है, इसके अंदर एक रेन मोड है, इसके अंदर एक ऑफ रोड मोड है और एक और मोड है जो मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये फीचर्स की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही अपने जैसे KTM 390 एडवेंचर में है, समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये अभी जो मेरा लगा हुआ है ये स्ट्रीट मोड लगा हुआ है। स्ट्रीट मोड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एक्सेलरेशन आपकी नॉर्मल है, थ्रॉटल जो आपका पुश है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड रहता है, ऑब्वियसली अगर आप ऑफ करना चाहो तो ऑफ का भी फीचर होगा। और जो इसके अंदर दूसरा है इसके अंदर मोड, वो है रैली मोड। रैली मोड में तो ये बाइक मुझे लगता है कि एकदम ऐसे भागेगी, जितनी पावर है जितनी गैस है इसको मिल सकती होगी। रैली मोड तो ऑब्वियसली वही हो जाएगा। इसके अंदर है एक ऑफ रोड मोड में लगाने के बाद इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, जैसे यहाँ के मुझे ऑफिशियल्स बता रहे थे। और जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि हमें ट्रैक्शन कंट्रोल ABS की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है जब हम ऑफ रोड मोड पे अपनी बाइक लगाते हैं। तो अभी मैं स्ट्रीट मोड चला रहा हूँ, मुझे आदत भी स्ट्रीट मोड की ही है, ना मैं ऑफ रोड चला रहा हूँ ना रेन मोड है, तो कम्फर्टेबली ये बाइक मैं आराम से चला रहा हूँ। यहाँ से अभी हम एक लेक पे जा रहे हैं और देखा है वो लेक यहाँ से लगभग 45 मिनट्स की दूरी पे है, तो हम लगभग 45 मिनट्स बाइक वहाँ पर चला रहे हैं, वहीं पर थोड़ी देर ब्रेक लेंगे और फिर वहीं से ही हम अपना सफ़र जो है रिटर्न का करेंगे, क्योंकि हमारे पास खाली 5 बजे तक का टाइम है ये बाइक होने का, और उसके बाद ये बाइक उनको किसी और को हैंड ओवर करनी है। क्या ही अमेजिंग व्यू है। पहले इटली ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया और अब ऑस्ट्रिया भी मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर रहा है। जगह जगह पर जो अंदर से विलेजेस से रोड बने हुए हैं नेक्स्ट लेवल, और ये पूरे फॉरेस्ट एरिया के अंदर से रूट लेके जाता है। मैं एक मिनट बात करके आता हूँ, पूछता हूँ यहाँ से रास्ता कहाँ से है। मैम
Hello, ma'am. We need to go near the lake side. No. Where from where we can go near the lake side? We go swimming. No, bike photo. Yes. Okay. Nachtenhäusern. Okay, lake. Better. Lake. River, lake. From here. Yes. Yes. Okay. On the water. Yeah. Thank you. Wow, such an awesome view, bhai sahab. So, कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ऑस्ट्रिया में आकर ऑस्ट्रियन बाइक जो कि है KTM 390 एडवेंचर और 890 एडवेंचर इसके बारे में अपना फीडबैक दे रहा हूँ. सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक मैं बहुत ब्यूटीफुल लेक पे आया हूँ जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से हार्डली 45 से 50 मिनट्स या फिर मोटो हॉल से खाली 45 मिनट्स की दूरी पे ये लेक है. और हमें ये ऑफिशियल्स जो है ना उन्होंने रिकमेंड किया था कि ऐसी एक लेक है, अगर आप वहाँ पर जाना चाहो तो आपको एक बहुत अच्छा एक फोटोजेनिक मतलब सीनरी भी मिलेगी और आपको व्यू भी मिलेगा. इसके लिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए और इन बाइक्स के बारे में बात करनी चाहिए. आपको पता ही है कि मैं KTM एडवेंचर 390 चला रहा हूँ अभी और उसको लगभग मैं अभी 93,000 किलोमीटर चला चुका हूँ विद नॉट इवन अ सिंगल इशू. अभी तक मैंने उस बाइक के इंजन को हाथ भी नहीं लगाया और मेरी अभी ये सोच है कि कम से कम मैं इस बाइक को 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर टेस्ट करने वाला हूँ. इसके ऊपर कोई भी इंजन वर्क नहीं होने वाला. एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत प्राउडली मैं ये बात बताता हूँ सबको कि ये है तो ऑस्ट्रियन बाइक ये वाली, बट दिस इज़ मेड इन इंडिया बाइक. ये जो आप बाइक देख रहे हो ये खड़ी तो ऑस्ट्रिया में है लेकिन ये बन के इंडिया से आई है. सो इंडिया में ही पूरी बाइक बनती है, बजाज के प्लांट में और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पूरी बाइक को सप्लाई किया जाता है. इनफैक्ट ऑस्ट्रिया को भी इंडिया से बाइक मिलती है. तो ये बात ना हमेशा मैं गर्व से बताता हूँ कि दिस इज़ मेड इन इंडिया बाइक. रही बात बाइक के बारे में, जब मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बात बोली थी कि ये बाइक जो है हार्डली 40-45,000 किलोमीटर चलेगी और KTM का इंजन उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है. बट मैं उस समय बहुत ज़्यादा श्योर था कि इस बाइक को मैं डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से चलाने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपनी राइडिंग स्टाइल के बारे में पता है. देखो बाइक का इंजन मैटर करता है लेकिन साथ में मैटर करता है कि आप उसको कैसा ध्यान रखते हो और आप उसकी कैसे मेंटेनेंस करते हो. कंपनी यूजुअली कहती है कि आप 7-7.5 हज़ार किलोमीटर में अपनी बाइक की सर्विस करवा लो, लेकिन मैं हमेशा अपनी बाइक की सर्विस 4-4.5 हज़ार किलोमीटर में करवा लेता हूँ. इसीलिए मुझे पता है कि मेरी बाइक जो है अभी आराम से 1.5 से 2 लाख किलोमीटर चलने वाली है. रही बात मेरी बाइक की, मेरी बाइक जो है मोटो हॉल में ही खड़ी हुई है. इस बाइक के बारे में तो ऑलरेडी हमको पता है. सो आज जो मेन टॉपिक है बात करने का वो है ये वाली बाइक. ये है KTM 890 एडवेंचर आर. ये एक ऐसी बाइक है जो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है. आई एम नॉट श्योर और मुझे ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से ही आपको बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन लगी है 2025 में 890 एडवेंचर आर इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी. इसका प्राइस बताऊँ यहाँ पर लगभग 14,000 से 16,000 यूरोस के बीच में है. इंडिया में कितने की आएगी आई हैव नो आइडिया. बात करूँ बाइक के कम्फर्ट की तो इस बाइक को चलाने के बाद ये बाइक का नेक्स्ट लेवल है. अगर आप एकदम नए फ्रेशर हो और आप जब अगर इस बाइक को चलाओगे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न ये है कि एडवेंचर जो बाइक है ना KTM ये थोड़ी सी एग्रेसिव बाइक होती है तो आपको बाइक को समझने में थोड़ा टाइम लगता है. क्योंकि मैं लगभग 1 लाख किलोमीटर अपनी बाइक चला चुका हूँ तो मुझे बाइक की पावर के बारे में कुछ हद तक आइडिया है. इसके लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है. मैं 130, 140 इनफैक्ट 145 तक भी मैं इस बाइक को लेके गया हूँ. ऐसी रोड्स नहीं थी जहाँ पर मैं इससे ज़्यादा चला सकूँ और ना ही स्पीड लिमिट थी इससे ऊपर बाइक चलाने की. बाइक की सीट हाइट बोलूँ तो मेरी हाइट जो है वो है 5'11". इसकी जो सीट हाइट है वो है अराउंड 880 mm के आसपास है. जो KTM एडवेंचर 390 है उसकी सीट हाइट है 855 mm. और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सीट हाइट मैटर करती है नो डाउट, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बाइक को हैंडल करना आता है तो सीट हाइट इतनी मैटर नहीं करती. लेकिन इंडिया में हम लोगों का एक प्रोस्पेक्टिव बना हुआ है कि सीट हाइट कम होनी चाहिए लेकिन एडवेंचर बाइक होनी चाहिए. तो सारी चीज़ें एक साथ करना किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए होता है, आपको सस्पेंशन भी चाहिए होता है, आपको
मतलब कंफर्ट भी चाहिए होता है, तो सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सीट हाइट से। बात करूँ इसके टैंक की, तो इसकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो है 20 लीटर्स, और मतलब लंबे टूर पे आप बहुत इजीली इस बाइक को लेके जा सकते हो। बाइक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर मोड्स आते हैं, एक तो आता है इसके अंदर रैली मोड, एक आता है इसके अंदर ऑफ रोड मोड, एक इसके अंदर आता है स्ट्रीट मोड, और एक आता है इसके अंदर रेन मोड। मैं जो अभी बाइक चला रहा हूँ पूरा स्ट्रीट मोड पे चला रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रीट मोड बेसिकली अपनी जैसे एडवेंचर बाइक है ना, मेरी बाइक है बेसिकली, तो वैसा ही सब कुछ चलता है, थ्रॉटल रिस्पांस सेम है, सब कुछ वैसा ही है। अगर मैं एक बार आपको बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी हाइट जो है वो है 5'11" और मेरा इस वाले साइड पे पैर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मतलब थोड़ा सा उधर से उठा हुआ है, लेकिन यहाँ से मैं बहुत ईजिली इस बाइक को बैठ के चला सकता हूँ। पावर की बात बोलूँ तो इस बाइक में है 105 BHP। भाई साहब, मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम एक्सेलरेट किया था ना, मेरे पेट में ना एकदम बबल से होते ना वैसे आ गए थे, क्योंकि इतनी हैबिट नहीं है मुझे। मैं चलाता हूँ 390 जिसका है 44 BHP पावर, और जब इस बाइक को मैंने थ्रॉटल दिया तो ऐसे गोली की तरह भाई, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मुझे इतनी हैबिट नहीं है इतनी हाई पावर की बाइक चलाने के लिए। ओवरऑल पैकेज की बात बोलूँ तो यस, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मोटरसाइकिल, एंड एंड में बस इतना ही बोलूँगा, थैंक यू KTM इंडिया एंड थैंक यू KTM ऑस्ट्रिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मुझे आप लोगों ने ये बाइक दी। बाइक मेरे पास बेसिकली 3 से 4 दिन होनी थी, बेसिकली मैं थोड़ा सा लेट हो गया ऑस्ट्रिया पहुँचते, जो टाइमलाइन थी हमारी चेंज हो गई, जिसकी वजह से मेरे पास खाली एक ही दिन का टाइम था। अदरवाइज़ मैं इसको 3-4 दिन आराम से ऑस्ट्रिया में ट्रैवल करता और प्रॉपरली आपको इस बाइक के बारे में और चीज़ें बता पाता। Oh man, there's a huge difference. बहुत ज़्यादा difference है यार। ऐसा नहीं है कि ये बाइक, ये तो अपनी जान है, लेकिन वो बाइक चलाने के बाद ना नेक्स्ट लेवल मज़ा आया भाई, सच बता रहा हूँ बहुत मज़ा आया। पर कंफर्ट तो अपनी चार्ली में, जो मर्जी बोलो।